हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम आज हम स्टार्ट करते हैं भक्ति सेंट भक्ति और सूफी सेंट्स का ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन है इसके पहले हमने ट्वेंटी सेवन्थ नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें

नरसिंह मेहता गुजरात कबीर उत्तर प्रदेश तुकरम बंगाल हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्टली मैस्ड है तो शंकर असम के बारे में था उन्होंने कीर्तन भी स्टार्ट किया था और सतारास का जो कंसेप्ट था जो मठ था ये भी शंकर देव के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था असम है नरसिंह मेहता गुजरात और नरसिंह मेहता के बारे में गांधी जी ने भी जिक्र किया है नरसिंह मेहता के एक इंपॉर्टेंट पोएम है जिसके बारे में गांधी जी हमेशा

पुणे में हुआ था और वो एक निर्गुणा सेंट थे निर्गुणा सेंट का मतलब होता है कि जो भी भगवान का जो आइडियल फॉर्म में पूजा नहीं करते अब फॉर्म में जो पूजा करते थे अबस्ट्रिक्ट फॉर्म में गॉड को मानते थे वो होते थे निर्गुणा सेंट और वो डिबोडी थे किसके बिठो और बिठला गया जो कि इन किसके? है किसके विष्टु के तो ये एक टाइप के वैष्णवाइट सेंट थे और उन्हें इम्फेसिस किस चीज़ पर कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप पे और स्पिरिचुअल संघ जो था वो कीर्तना

कॉबलर तो कौन किससे बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है तो कबीर के बारे में तो हमें पता है कि वो कौन थे वेवर थे मतलब वो जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे ठीक है उसके बाद है कि नामदेव कौन थे नाम जो, देव जो थे वो टेलर थे नामदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से कबीर आपके उत्तर प्रदेश से रायदास वही हैं जो मीराबाई के गुरु हुआ करते थे तो ये भी ध्यान में रखेंगे और कबीर आपके वेवर थे रायदास कौन है आपके कॉबलर है और सेना जो है वो बारबर है तो ध्यान रखेंगे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट क्योंकि नामदेव जो है वो टेलर बाय प्रोफेशन थे और वो बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से डिवोटेड थे वो लॉर्ड विटल और विटल ऑफ पंडरपुरा जबकि कबीर जो थे वेबर थे बाय प्रोफेशन और वो उनका जो ईयर था उनका जो पीरियड था वो थर्टी से फिफ्टीन हंड्रेड एडी तक था और उनको वो एक निर्गुणा सेंस थे निर्गुणा सेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो अब्सट्रिक फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते थे और वो अगेंस्ट थे किसके पिलग्रमेज और आइडल वर्सिप के रविदास और रायदास वो कॉबलर थे बाय प्रोफेशन मतलब वो लेदर वर्क क्या करते थे उनका जन्म हुआ था फोर्टीन में वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और सेना जो थे वो बारबर है पाई प्रोफेशन और वो भी पूछते थे किसको

सिद्धाकारस और योगी जो है वो एडवोकेट करते हैं किसको रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड को तो ये तीनों ही किस चीज को एडवोकेट करते हैं कि वर्ल्ड का त्याग करने के लिए नाथपंथी सिद्धाचारा और योगीज दे स्ट्रांगली एडवोकेट द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रीज़न ऐसा नहीं था वो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे वो इसको

वो उनके लिए पाथ ऑफ सेलिवेशन जो होता है वो किस चीज में रहता है मेडिटेशन को मेडिटेशन को वो प्रमोट करते हैं ना कि रिचुअल्स को रिचुअल्स को प्रमोट नहीं करते हैं वर्षिप्स को वो प्रमोट नहीं करते हैं. वो मेडिटेशन को प्रमोट हैं फॉर्मलेस अल्टीमेट रियालिटी के और रियलाइजेशन ऑफ विद इन इट और ये पॉपुलर पे इम लोअर कास्ट में क्योंकि लोअर कास्ट में इसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता है ध्यान में रखेंगे जो भी भक्ति सेंस होते हैं वो इसीलिए फेमस होते हैं क्योंकि उनका जो डायलेक्ट होता है जो लैंग्वेज होता है वो लोकल डायलेक्ट्स होता है लोकल लैंग्वेज होता है जो लोकल पीपल से वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया और स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल्स को और एनी कन्वेंशनल रिलीजन सिस्टम को अब हम देखेंगे

करेक्ट है तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था तेलवान में और रिसेंटली आपको पता है कि ये पिछले साल न्यूज में भी काफ़ी रहा था ठीक है विच इज लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल सही बात है सेकेंड प्लेस जहाँ पे बाबा गुरु नानक कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए थे उसको धर्मशाला नहीं बोलते थे उसको लंगर बोलते थे आपको पता है लंगर काफ़ी फेमस होता है वहाँ पे फ्री में भोजन कराया जाता है लोगों को तो ये आप ध्यान रखेंगे और ये अभी भी हर जगह पे चलते हैं जहां पे भी गुरु गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है गुरु अंगत कंपाइल करते हैं टीचिंग शब्द बाबा गुरु नानक ये भी बिल्कुल सही बात है ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है गुरु अंगत सेकेंड गुरु थे और इनको लहना भी कहा जाता था तो तीनों ही मतलब दो ऑप्शन हमारा करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसको धर्मशाला नहीं जो कम्युनिटी किचन हुआ करता था उसको लंगर बोलते थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं गुरु नानक का जो थे वो कौन थे, थे।, थे? थे। तलवंडी मतलब तल पाकिस्तान में हुआ था पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में हुआ था और निर्गुणा सिंह थे गुरु अंगद जो कि सेकेंड सिख गुरु थे जिनको लहना भी कहा जाता था और वो क्या करते हैं वो कंपाइल करते हैं टीचिंग्स जो हैं बाबा गुरु नानक के

गुरु नानक जी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे कि वो हिंदुइज्म को डिनाउंस करके एक नया रिलीजन इस्टेब्लिश करे ऐसा नहीं था ये बिल्कुल इनकरेक्ट है जैसे बहुत सारे भक्ति सेंस हुए थे वैसे ही बाबा गुरु नानक जी थे वो सिखिज्म को स्टार्ट किए थे जिनका अपना कंसेप्ट था निर्गुणा सेन को निर्गुणा सेन थे तो ये ऐसा नहीं था कि उनका मोटिव था एक नए रिलीजन को बनाना

कि वो गुरु नानक जी हैं वो क्या करते हैं मिडिल पाथ को एडवोकेट करते हैं जो कि बेस्ड होता है स्पिरिचुअल लाइफ पे जहाँ पे जो हाउस होल्डर्स होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है उनके ड्यूटीज से वो बोलते हैं कि वो ही प्रिस्ट अबाउट द यूनिटी ऑफ गॉड मतलब गॉड से हमें यूनिटी करना है ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें आइडल वर्सिप और बहुत सारे रिचुअल्स और कन्वेंशनल जो पूजा पाठ होते हैं उसको करने की ज़रूरत है ठीक है

फोर्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास फिफ्थ गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव ये आपको ध्यान रखना है कि रामदास जो है वो फोर्थ गुरु थे जबकि जो अर्जुन देव थे वो फिफ्थ गुरु थे सिखिज्म के ये आपको रखना है तो अमृतसर जो सिटी है वो स्टेब्लिश किया गया था गुरु रामदास के द्वारा वो कंपोज करते हैं क्या फोर लॉन ऑफ आनंद कारस आनंद कारस क्या होता है आनंद कारस मैरिज ऑफ सिखिज्म जो सिखिज्म में जो मैरिज वाला कार्य होता है उसको आनंद कार्य कहा जाता है और रिसीव करते हैं किसके लिए साहिब के कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और वो फोर्थ गुरु थे गुरु देव थे वो पांचवे गुरु थे थर्टी नंबर क्वेश्चन देख लेते इन द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब द वर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वर इंक्लूडेड तो जो सेक्रेट टेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का उनमें से कौन से सेंट्स के जो वर्सेस है वो इंक्लूडेड है हमें ये बताना है सिख फरीद सिख फरीद नामदेव सेंट कबीर और गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर आपको पता है नौवे गुरु थे और इनको मारा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा और गुरु अर्जन देव को जहांगीर के द्वारा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा क्योंकि इन चारों के बारे में ही डिस्कस किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में

टीचिंग्स ऑफ रामानंदा रामानंदा आपको पता है वो कौन थे भक्ति सेंट थे भक्ति सेंट कौन थे रामानंदा रामानंदा किसके गुरु थे कबीर के गुरु का नाम था रामानंदा और रामानंदा के जो गुरु थे उनका नाम था रामानुजाचार्य ये ये आपको भूलना और रामानुजाचार्य कौन से फिलोसफी के दिया थे

अब हम देखेंगे सुफी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को और पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कादरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर सिख नी हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पहले स्टेट पहले स्टेट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो बहुत सारे जो सूफ़ी सिलसिला होते थे वो उनके नाम से ही स्टार्ट होते थे और उनके नाम पे वो सिलसिला का नाम भी हो जाता था तो बिल्कुल जैसे चिश्ती सिलसिला होगा मोइनुद्दीन चिश्ती तो ऐसे ऐसे और मतलब सुहरावर्दी सिलसिला हुआ तो वो सब नाम पे ही स्टार्ट हुआ है तो कादरी जो ऑर्डर है वो सिख नसरुद्न वहाब जिलानी पर हमें यहाँ पे कोई कादरी नाम का तो दिख नहीं रहा तो इनका नाम एक्चुअली क्या था कि सिख नसरुद्धिन कादर जिलानी ठीक है कादर जिलानी इसलिए हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट कि जो सूफी था ये मुस्लिम्स का ही एक लिबरल मोवमेंट हुआ करता था इस्लाम्स का ही लिबरल मोमेंट हुआ था जिसमें रिजेक्ट किया था रिचुअल्स को ऑर्थोडॉक्सी को और सबसे बड़ी चीज थी अनसाइंटिफिक ट्रेडिशन को तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसने किस चीज को रिजेक्ट किया था रिचुअल्स ऑर्थोडॉक्सी और अनसाइंटिफिक ट्रेडिशन को बहुत से सूफी लीनियस थे उनका जो नाम था उनके किसके नाम था उनके जो फाउंडिंग फिगर थे उनके ऊपर था और सब जो थे जैसे कि चिश्ती और वो किसके उनके सॉरी चिश्ती जो है एक्चुअली प्लेस ऑफ ऑर्डर के प्लेस ऑफ ओरिजिन के जो प्लेस है कहाँ पे अफगानिस्तान में एक प्लेस है चिश्ती नाम वहाँ पे और मोइनुद्दीन चिश्ती वैसे इस गुरु भी थे लेकिन चिश्ती नामक जगह के इस इसपे पड़ा हुआ है ठीक है लेकिन सोहरावर्दी ये सब जो गुरु थे उनके नाम पर पड़ा हुआ है कादरी ऑर्डर वाज नेम्ड आफ्टर सिक अब्दुल कादिर जिलानी थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द अबू हसन अल हुजवेरे तो इसके रिगार्डिंग में बताना है अबुल हसल हल अल हुजवेरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो ही सेटल्ड इन लाहौर एंड रोट अ बुक इन पर्शियन कॉल्ड कसफुल महजूब ही वॉज फोर्स टू क्रॉस इन एज अ कैप्टिव ऑफ द इन्वेडिंग अरब आर्मी ही इज रिवर्ड एज

गलत है क्योंकि अरब आर्मी नहीं थी एक्चुअली वो टर्किश आर्मी थी और इस वो टर्किश आर्मी ने फोर्स किया था उनको क्रॉस करने के लिए इंडस को मतलब एक्चुअली फोर्स नहीं किया था वो वहां से भागने की कोशिश की क्योंकि वो कैप्टिव थे किसके टर्किश आर्मी के हिज रिवर्ड एज दातागंज बख्श और गिवर हु बेस्टो ट्रेजर्ड तो जो अबुल हल, अल हसन अल हुजवेरी जो है उनको कहा जाता था दातागंज बख्श

वर इन सिलसिला हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन सॉरी इनकरेक्ट है हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सुफीज इन इंडिया व सोरावर्दी यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थी वो चिश्ती थी ना कि सोरावर्दी इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वो रॉन्ग हो जाएगा और इन 15 नहीं बारह सिलसिले में ऑर्गेनाइज़ थे, इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाता है और यहाँ पे पूछा ही जा रहा है आपके कौन स्टेटमेंट है, है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इन करेक्ट सुफेज होते में अबुलसन अल हुजेरी जो है उसके फाउंडेशन रखते में और सिलसिला को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल जिनेल लज्जी तो मतलब जो भी उनके गुरु होते थे जो स्पिरिचुअल गुरु होते थे उनके नाम पे ही वो ये जो सूफी सिलसिला है वो स्टार्ट होता था और कितने सिलसिला थे बारह सिलसिला थे और इंडिया में सबसे फेमस जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था वो कौन सा था चिस्ती सिलसिला था ठीक है थर्टी एट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू तो मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सॉरी अभी करेक्ट का पता नहीं है पहले हम इसका ऑप्शन देते हुए मोहनुद्दीन चिस्ती ख्वाजा मोहनिदीन इज पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज और कंफर्टर ऑफ द पुअर सेकेंड है फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही एक्चुअली बताना है तो पहला स्टेटमेंट जो है अभी वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो पॉपुलरली उनको गरीब नवाज यानी कंफर्टर ऑफ द पुअर कहा जाता था ये बिल्कुल सही बात है सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो एम है यानी मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद कौन गया था अकबर ये दोनों लोग ही गए थे तो ये इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो रॉन्ग है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती जो है वो चिस्ती ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में उनको कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज और कम्फर्टर ऑफ द पुअर वो इंडिया में आते हैं अलोंग विद मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी कौन था जो ये कुतुब्दीन ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐवक जिसका स्लेव था वो मोहम्मद गौरी था जिसने सत्रह बार आक्रमण किया था इंडिया पे और उसका मेन मकसद क्या होता है इंडिया से जो धन होते थे जो यहाँ की मतलब गोल्ड से उसको लूटना था ठीक है और वो सेटल कहाँ पे हो गए थे लाहौर में उसके बाद दिल्ली और फाइनली वो कहाँ चले जाते हैं अजमेर में आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह भी ये है कहाँ पे अजमेर में सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सुल्तान जो दिल्ली के हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिसमें एमबेटी की भी कहा जाता है और मुगल एम्परर उन्होंने विजिट किया था दरगाह ऑफ ख्वाजा मोनुद्दीन चस्ती को ठीक है थर्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आर इन फॉलोइंग सूफी सेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है इनके बारे में नसरुद्दीन चिराग अदिल्ली फरीदुद्दीन गंजर शक्कर बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चस्ती हमें बताना है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन लोगों इन लोगों को सजाना है तो सबसे पहले आपको पता है कौन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है तो पहले हो जाएगा हमारा कौन फोर उसके बाद है बख्तियार काके उसके बाद है फरीदुद्दीन गंजे शक्कर उसके बाद है नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी फोर थ्री टू वन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती सिलसिला इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में 1192 में हमने देखा कि वो मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया

सारे जो रिलीजन के पीपल्स होते हैं ये इनको मानते हैं नसरुद्दीन चिराग दिल्ली वो डिसाइपल थे किसके निजामुद्दीन औलिया के और निजामुद्दीन औलिया सूफी है वो उनका जो दरगाह है वो दिल्ली में देखने को मिलता है ये सब आपको पता होगा तो आज के लिए इतना ही रहने देते नेक्स्ट क्लास में हम फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखेंगे थैंक यू सो मच